गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज के मार्केट सेटअप को समझते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल यूएस मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ है। जब हम ट्रेड कर रहे थे तो डाउ फ्यूचर में करीबन 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन एट द एंड डाउ जोन्स करीबन 44 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुआ और नासडाक में अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि डाउ फ्यूचर मॉर्निंग में 200 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। एशियन मार्केट मिक्स नोट पर ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी में करीबन 50 पॉइंट की तेजी दिखाई दे रही है। डेटा की बात करें तो कैश मार्केट में कल एफआईआर की तरफ से 1200 करोड़ की बाइंग थी, हालांकि डीआईआर की तरफ से करीबन 3000 करोड़ की सेलिंग थी। एफएनटो डेटा की बात करें तो एफआईआर ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की, 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड कम किए हैं तो 7000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड एड किए हैं। स्टॉक्स फ्यूचर में भी उनकी तरफ से शॉर्ट पोजीशंस थी, हालांकि ऑप्शन का डेटा यूजफुल नहीं है बिकॉज ऑफ वीकली एक्सपायरी। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी में फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस दिख रहा है एक वर्टिकल राइज के बाद, जहां पर हम कह सकते हैं कि 13000 एक थोड़े टाइम के लिए पिक बन गया है। अगर कोई शॉर्ट पोजीशन लेना चाहता है कॉन्ट्रा तो 13000 शुड बी स्टॉप लॉस। एसजीएक्स निफ्टी एक पॉजिटिव ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है और जनरली जो फर्स्ट पुल बैक होता है वहां पर सेल ऑफ देखने को मिलता है, क्योंकि कल जो वीकनेस थी तो उसको फॉलो थ्रू मिलेगा। लेकिन निचले स्तर 12720 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, जहां बुल्स ट्राई करेंगे वापस एंट्री लेने की। 720 के नीचे फिसलता है तो निफ्टी में वीकनेस बढ़ सकती है, जहां 12620 से 12520 नेक्स्ट डिमांड जोन रहेगा। किसी भी पुलबैक पे 12820 से 12825 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, 12900 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपना मोमेंटम लूज कर रहा है एक रैली के बाद, जहां पर 29500 से 30000 का जो एरिया है अब नियर टर्म के लिए टॉप बन गया है, जबकि 28250 से 27700 विल बी द मेजर सपोर्ट जोन इन द डाउन साइड। 29120 इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस का काम करेगा, जबकि 28700 से 28600 का एरिया इमीडिएट डिमांड जोन का काम करेगा। तो ये था आज का मार्केट सेटअप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।